नमस्कार सर, क्या नाम? राहुल मिश्रा। क्वालिफिकेशन क्या है? 10th बी एस पी डिप्लोमा कर रहा हूँ। आप गुरु जी से कब से जुड़े? 10 साल से। कितना विश्वास है गुरु जी से? 100%। एक यूथ होने के बावजूद, एक 10th क्लास में होने के बावजूद आप डेरा सच्चा सौदा जाते हो, क्या रीज़न है? हाँ, डेरा सच्चा सौदा जाने का क्या रीज़न है आपका? क्योंकि वहाँ हमें अच्छे बुरे का बताया जाता है। गुरु जी आज समाज के बीच में नहीं है, तो क्या लगता है आपको, क्या क्या जो बुराइयाँ हैं समाज में वो बढ़ चुकी हैं? बहुत ज़्यादा सर। गुरु जी के बारे में जो भी मीडिया में दिखाया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो सर झूठ है मैम। गुरु जी पे विश्वास है आपको? कितना विश्वास है? बयान नहीं कर सकते। क्या कारण है? क्योंकि जी आजकल जो बुराइयाँ चल रही है, वैश्यवृत्ति, जो मतलब तरह तरह की बुराइयाँ चल रही है सर। जो गुरु जी पे आरोप लगाए गए हैं, उसके बारे में आपका क्या मानना है? वह सब झूठ है मैम। गुरु जी आज समाज में नहीं है, तो क्या प्रभाव पड़ रहे हैं समाज पर? आजकल गंदगी बढ़ चुकी है, तो नशे सब कुछ बढ़ चुके मैम। क्या समाज को गुरु जी की जरूरत है? बहुत ज़्यादा है। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से अपील करेंगे कि वह गुरु जी को जल्दी से जल्दी रिहा करे, ताकि वह जो 134 मानवता भलाई की कार्य चल रही है उन्हें बढ़ चल करे। महिलाएं जो डेरा में जाती हैं, कितनी सुरक्षित हैं? बहुत ज़्यादा, 100% सुरक्षित है। आप मीडिया के बारे में क्या कहना चाहोगे, जिन्होंने गुरु जी के बारे में इतना ज़्यादा कुछ दिखाया? क्या अपील करना चाहोगे कि ऐसे चैनलों को बंद कराया जाए सरकार से, या फिर कोई कार्यवाही करी जाए? अगर मीडिया वाले खुद जाकर वहाँ डेरे में देखे, अगर वह देखकर सब कुछ अगर उन्हें पता हो, फिर तो वह बोल सकते हैं, ऐसे उन्हें बोलने का कोई हक नहीं है। ये ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स किस तरीके की फोर्स है? वह मतलब हमारे सेवादार है सभी। जब भी किसी मतलब पूरे इंडिया में या कहीं बाहर किसी भी तरह की कोई आपदा या कुछ बाढ़ वगैरह आ जाए, तो वह वहाँ जाकर उसकी गरीबों की मदद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।